अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 5 यूनिट है आज हम 3, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ्रैक्शन का है ये चैप्टर। फ्रैक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें एक्सरसाइज है हमारे पास 3.1। फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, इसे स्टार्ट करते हैं। इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। सॉल्व हमने ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। एडिशनल क्वेश्चन है, इनका हम नीचे से स्मॉल डिवीजन करेंगे। जो हमारे पास वैल्यू आएगी एलसीएम के थ्रू, उसे हम पुट करके इसकी वैल्यू निकालेंगे इन क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1/6 प्लस 2/9। ऐसे सेकंड है 2/9 प्लस 4/15। ईजी क्वेश्चंस हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने अभी बताया था कि हमने एलसीएम लेना है, उसके लिए हमें फर्स्ट पे प्राइम फैक्टराइजेशन की ज़रूरत है। प्राइम फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी 6 और 9। या इकट्ठे ले लें 6 9, या ऐसे भी ले सकते हैं 6 का अलग और 9 का अलग। फिलहाल हम ऐसे ले लेते हैं। थ्री पे जाएगा 3 2 3 3 9। 2 पे जाएगा ये 1 आ जाएगा, ये 3 एज इट आ जाएगा। ये मेरे पास वैल्यू निकली है प्राइम फैक्टर्स निकले हैं, इनको देख लें 3 2 6 और आगे जो उनसे इसको 3 करेंगे 9 9 2 18 18 ही लिखे। अब 18 जो उनसे 6 के टेबल में 6 3 18, 3 यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 3 18 ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 9 के टेबल पे 2 पे जाएगा 9 2 18, 2 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 3 प्लस 4 और नीचे हमारे पास होगा 18। सेवन ओवर 18 ये इसका आंसर निकल रहा है फर्स्ट का। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, वो आप खुद ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 3 मैं कर देती हूँ या क्वेश्चन नंबर 4। पहले 3 भी कर लेते हैं, 4 भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे स्टार्ट करते हैं। 3 3 9, 3 1 3, 11 है 11 1। इनमें कोई कॉमन नहीं निकल रहा, एलसीएम के लिए वैल्यू चाहिए ना। प्राइम फैक्टर 9 के ये निकले हैं 3 3, और प्राइम फैक्टर्स 11 के निकले हैं 11 और 1। तो इसमें कोई कॉमन नहीं है, इसलिए हम इन्हें सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 99। 3 3 9 9 11 99। 5 plus 2/99। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, 9 को डिवाइड करें 99 11 पे जाते हैं। 9 11 99, 11 पे गया तो 11 को अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 11 multiplied by 5 plus, ये यहाँ पे भी कर सकते हैं, स्टेप में भी। इस स्टेप को हम फिलहाल छोड़ देते हैं, अगेन लिख लेते हैं यहाँ पे 99। 2 ऊपर से ये वाली वैल्यू ऐसी आ गई 11 9 99। 9 पे ये अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा,
55 आ जाएगा, ये 29 के साथ मल्टीप्लाई होगा 18 आ जाएगा, नीचे हमारे पास 99 है। 55 को हम प्लस करेंगे 18 में, यहाँ पे से प्लस करें 73 ओवर 99। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास ये आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब इन दोनों का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाली है, प्राइम फैक्टर्स निकाल के उसके बाद एलसीएम फाइंड करना है। फर्स्ट भी हमारे पास है 24, 2 1 द 2 2 द 4, 2 6 द 2 3 द 3 1 द 36, 2 1 द 2 8 द 2 9 द 3 3 द 9 3 1 द 3। अब हमारे पास वैल्यूज क्या निकली, 24 के प्राइम फैक्टर्स निकले हैं 2 2 2 और 3, ये प्राइम फैक्टर्स हैं 24 के। नेक्स्ट 36 के प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 2 3 और 3। एलसीएम फाइंड करना है, ये टू कॉमन है और ये टू कॉमन है, इसको वन टाइम ही लिखेंगे, इन दोनों टू को वन वन टाइम लिख लेंगे मल्टीप्लाई। ये वाला टू कॉमन नहीं है, ऐसे ही उतरेगा, ये थ्री कॉमन नहीं है, इसे भी उतार लेंगे, ये टू थ्री हैं, इन्हें वन टाइम लिख लेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 द 9 और यहाँ पे 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 और 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 और 8, 72, 8 9 द 72 या 9 8 द 72 आता है, इस 72 को यहाँ पे पुट करेंगे। अब 24 के टेबल में देखेंगे 72 कहाँ पर आएगा, यहाँ पे करके देख लेते हैं, 24 को 2 के साथ तो आएगा हमारे पास 84, 24 को 3 के साथ करेंगे तो आएगा 2 और 1, 3 4 द 12, 2 और 1, 3 2 द 6 7, 72 आ गया, 3 पे आ रहा है, यानी हम यहाँ पे 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यहाँ पे 36 है, 72 कहाँ पे आता है, 36 के टेबल में, यहाँ पे 36 रखेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 द 12, 1, 2 3 द 6, 7, 2 पे आते हैं, 5 2 द, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ जाएगा, 3 7 द 21 प्लस 5 2 द 10 और नीचे आ गया 72 एज इट। अब इन्हें प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 31 ओवर 72। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास ये आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए ना तो 32 आता है, ये 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो 8 आता है। देख लेते हैं, यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 2 4 द 2 2 द 2 1 द, 3 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, अब 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 32 आएगा,
टू वन द टू सिक्स द टू एट द टू फोर द टू टू द टू वन द फाइव स्टैंड मल्टीप्लाई कर लिया। अब एट की हमारे पास वैल्यू निकली है प्राइम फैक्टर्स ऑफ एट थ्री टाइम्स टू प्राइम फैक्टर्स ऑफ 32 आर 5 टाइम्स 2 ये इसके प्राइम फैक्टर्स निकले। अब एक ए टू कॉमन है एक ए टू कॉमन है एक ए टू कॉमन है हमने एलसीएम फाइंड करना है एलसीएम निकालना है उसके लिए ये वाला 2 वन टाइम आ जाएगा ये भी 2 वन टाइम ये भी वन टाइम और ये 2 जो कॉमन नहीं है उन्हें भी वन वन टाइम लिख लेंगे। एलसीएम में यही होता है कॉमन वैल्यूज़ जो उनसी आ रही है उन्हें वन टाइम लिखा जाता है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करें तो ये देखें 52 है तो 52 का हम 32 आ रहा है ना 32 को हमने फैक्टर्स बनाए थे तो 5 टाइम्स आ रही है ये 2 तो इन सब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32 32 यहाँ रखेंगे। अब देखेंगे 8 के टेबल के अंदर 32 कहाँ जाता है इस पे फोकस करेंगे। 8 फोर द होता है 32 4 यहाँ लिखेंगे 7 यहाँ लिखेंगे 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 32 वन द 32 5 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 32 वन द 32। अब देखें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 28 यहाँ पे आएगा प्लस 5 ओवर 32 इन्हें प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो देखेंगे 33 ओवर 32 ये देखेंगे ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 33 ओवर 32 क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। एलसीएम निकालेंगे 13 के टेबल में ही जाता है और किसी टेबल पे नहीं आता 13 वन द 13 26 को देख लेंगे 2 वन द 2 3 द 13 वन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 13 आ गया प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26 2 और 13 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 13 जो उनसे है ये कॉमन है दोनों में है वन टाइम लिखेंगे एलसीएम फाइंड करना है तो हमारे पास कॉमन आ जाएगा 26 26 हमारा एलसीएम आ गया है इसे यहाँ पे पुट करेंगे। अब 13 टू द 26 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 26 वन द 26 3 मल्टीप्लाई बाय 1 टू 5 द 10 माइनस 3 और नीचे आ गया 26 इसमें से हम माइनस करेंगे 3 को तो हमारे पास आंसर आएगा 7 ओवर 26 ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है 15 25 17 और 34 हमने एलसीएम लेना है 17 का 17 वन द 17 और किसी टेबल पे नहीं जाता 34 2 वन द और ये 14 7 द 17 वन द तो हमारे पास 17 के प्राइम फैक्टर्स निकल रहे हैं 17 और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 34 हमारे पास निकल रहे हैं 2 और 17 हमने एलसीएम फाइंड करना है। ये 17 कॉमन है इसे वन टाइम लिखेंगे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिर से 217 द 34 ही आ गया यानी इसका एलसीएम आ रहा है 34 17 टू द 34
34 2 का 15 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 34 1 था 34, 25 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 था 10 0 1 ऊपर, 2 1 था 2 3 आ जाएगा, 30 आ गया माइनस 25 नीचे है 34, इसमें से 30 में से 25 को माइनस करेंगे 5 आ गया नीचे है 34। इसका एलसीएम, इसका आंसर यही आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, इसको देख लेते हैं। इसमें हमारे पास वैल्यूज है 7/20 और 7/30। ट्वेंटी का प्राइम फैक्टर स्मॉल डी है निकल रही है, अब 30 का 2 1 था 2 5 था 3 5 था 5 1 था, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 हमारे पास है 2 2 और 5। अब 30 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 3 और 5, यहाँ पे ये 5 कॉमन है, यहाँ पे ये 2 कॉमन है। कॉमन वैल्यूज को वन टाइम लिखेंगे, 2 ये वाला कॉमन नहीं है इसे भी लिख लेंगे, ये 3 कॉमन है इसे भी लिख लेंगे, ये 5 कॉमन है इसे वन टाइम लिखेंगे, 2 2 द 4 और 3 5 द 15 और 4 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 द 20 2 पर कैरी, 4 1 द 4 5 6 60 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे इसे करके देखेंगे सॉल्व, ट्वेंटी की टेबल में 60 आएगा 3 पे, 23 था 60 इसे 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, अब यहाँ पे दोबारा 7 लिख देंगे, 60 की टेबल में 30 की टेबल में 60 आएगा 2 पे, 30 2 दा 60 इसे यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, अब 7 3 दा 21 माइनस 14 और नीचे है 60, 21 में से हम 14 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7/60। क्वेश्चन नंबर 18 का हमारे पास यही आंसर आ रहा है 7/60। ये 3.1 है, ये कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट 3.2 इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे।